Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. Guys, इस particular lecture series में हम cover करेंगे polity की पूरी NCERTs from class 6th to class 12th. और आज का हमारा ये lecture cover करेगा from class 8th standard से हम लोग cover करना start करेंगे. Before we start up with our actual lecture, let me tell you all, आपको इन educational जो videos हमारे होते हैं lecture series, उनके अगर आपको notes चाहिए हो, then you can join our telegram group. The link of the group is given in the description below. अगर आप description में ना आप ढूंढ पाओ telegram group का हमारा लिंक, तो आप एक काम करो, आपके टेलीग्राम अकाउंट पे जाओ, वहां पे सर्च ऑप्शन आएगा, वहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट्स डाल के सर्च करो, यू विल गेट अ टेलीग्राम ग्रुप. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद अ लेक्चर. सो हम लोग एक ब्रीफली रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में. तो हमने देखा था ये किस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा जो आपको माइंड मैप एक तरह से मैंने बना के दिखाया था, और आपको ये भी कहा था कि आप किस प्रकार के आपके स्टडी में इस प्रकार के माइंड मैप्स आप यूज कर सकते हो. उसके बाद वी लर्न अबाउट क्लास 6, हमने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था. वी लर्न अबाउट पंचायती राज सिस्टम, हेल्थ केयर इक्वालिटी, हमने देखा था किस तरह से वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, उनके लीगल रिफॉर्म्स के बारे में जाना था, कैंपेनिंग्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और इस और ये सारी पावर्स जो वुमेन को दी गई हैं, उन पावर्स का अब्यूज भी किस तरह से होता है वो भी हमने जाना था. देन वी फोकस्ड ऑन रोल ऑफ मीडिया, स्ट्रगल्स ऑफ इक्वालिटी के बारे हमने जाना था, और उसके बारे में हमने पढ़ा था. हम यहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड थी हमारी क्लास 8 तक हम रुके थे. अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये पूरा का पूरा लेक्चर है, इसके आगे की स्लाइड्स हम देखेंगे, है ना. तो ये वाली स्लाइड हमने डिस्कस करी थी. Now, having said that, we focused on constitution, what constitution is, that is, it is a fundamental nature of our society. Then there is a set of rules, agreements or ideals होते हैं. Struggles of our neighboring states पे मैं हमने देखे थे कि क्यों इंडिया इतना ज्यादा strongly खड़ा है आज तक इंडियन constitution, और बाकी के states जैसे कि हमारे neighboring states हैं, जैसे कि नेपाल या फिर पाकिस्तान आप कहो, वो इतनी ज्यादा political democracy उनके यहाँ पे क्यों नहीं है, ये भी हमने discuss करा था. We know what constitution means. It defines the nature of the country's political system. जैसे कि इंडिया में हमारे डेमोक्रेसी है, जब से आजादी मिली है तब से. Basically, constitution guards. It is a guard against the misuse of the authority. यहाँ पे फिर spelling mistake है. Then we have right to equality हमारे constitution में है. So constitution basically ensures dominant group do not overpower. जिनको power दी जाती है वो power का misuse ना करे, ये पूरा देखा जाता है हमारे constitution में. Also that is inter और intra community domination ना हो, ये भी एक प्रकार से constitution ensure करता है. अब चलते हैं आगे. यहाँ पे मैंने जानबूझ के bullet points आपको नहीं mention किए हैं, so that you can read, जो कि हमारे जो students हैं जो लेक्चर्स नहीं देख पाते हैं उनको, बस जिनको पीडीएफ चाहिए हो उनके लिए मैंने अपने नोट्स जैसा नहीं बनाया है, मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे. सो दिस इज फॉर देम. द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड एंड डिस्टिंक्ट कल्चर्स. Also, when constitution was being written, India was going through considerable turmoil. आपको ये बात पता होगी किस प्रकार से सारे के सारे स्टेट्स हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो एक तरह से एक इंडिया नाम के एक अम्ब्रेला के नीचे, वन नेशन के नीचे आना वो नहीं चाहते थे. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद हो गया या फिर जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे स्टेट्स नहीं आना चाहते थे. सो फॉर दैट, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करके इंडिया को, उन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को एक नेशन की तरह उन्होंने जोड़ के रखा. तो जब ये सारा पूरा टर्मोइल हमारी कंट्री जा रही थी, या फिर आप कहो ये कह सकते हो आप, जब गांधी जी की जब डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा वॉयलेंस हमारी कंट्री में फैला हुआ था तब ऐसे बहुत ही केओटिक माहौल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब लिखा जा रहा था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे दे मेड श्योर कि हाँ भाई, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी था वो, मतलब कुछ कुछ चीजें बाकी कंट्रीज से भी बोरो की गई थी, बट दे मेड श्योर कि जब भी वो एक ड्राफ्ट के साथ आए, एक डॉक्यूमेंट के साथ आए, वो एक कॉन्क्रीट ड्राफ्ट हो, ऐसा ना हो कि उसमें कुछ कमियां रह गई हो. दे मेड श्योर ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो कंट्री है आज भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली मेंटेन है. हम आज भी पूरे सारे जो
प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के आगे भी, या फिर आप कह सकते हो जुडिशरी के ऊपर भी हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हाँ, बहुत बार ये होता है कि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहती है एंड दे कम अप विद देयर ओन सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे इम्पॉर्टेंट करार दिया गया है हमारे कंट्री में। एंड आई बिलीव दैट इज द सोल रीजन कि हमारी कंट्री आज भी इतनी ज्यादा स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। सो पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज एमिनेंट, सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मासेस ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट इस पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि किस प्रकार से जब पार्टीशन हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कितना ज्यादा क्योटिक माहौल था, प्रिंसली स्टेट्स भी आने के लिए तैयार नहीं थी। तो दिस इज बेसिकली आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में फ्लैशबैक या फिर आप रिव्यू कह सकते हो इसको। सो ऑल दिस इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देख सकते हो अभी जो हमारे डीपीएसपीज है या फिर आप कह सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, वो एक प्रकार से इन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन की तरह ही है। फंडामेंटल राइट्स भी इन्हीं चीजों की रिफ्लेक्शन है ना। सो दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। हमारे हर स्टेट को बहुत सारी जो पावर्स दी हैं वो इसी वजह से दी हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंसेस है हम में, पुलिस फोर्स हो गया, फिर बहुत सारी एनोनोमिटी हमारे स्टेट्स को फ्रीडम दी गई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए ताकि हम डाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व कर सके और यूनिटी में डाइवर्सिटी हम प्रिजर्व कर सके। जैसे कि मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके हमारे एंड पार्ट वेस्ट बंगाल या फिर जो भी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अगर आप देखो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है हम में, बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है, एथनिक डिफरेंसेस है। तो वो मेंटेन करने के लिए नेशनल यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम स्टेट्स को ऐसा ना लगे कि उनकी डाइवर्सिटी को वैल्यू नहीं दी जा रही, उसको इंपॉर्टेंस ना दिया गया जा रहा हो, ये मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है कि स्टेट्स को भी बहुत ज्यादा हमारे सेंटर्स ने पावर दी है। उतनी ज्यादा नहीं दी है बट हाँ बिल्कुल दी है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि मैंने आपको कहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट हमको दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि हम हमारे जो लीडर्स हैं उनको चूज कर सके। एंड ये ऐसा चूज करने के बाद हम वो डेमोक्रेसी मेंटेन कर सके और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसी प्रकार से आ सके। अब मोस्ट ऑफ द लोगों का ये उनका कंसेप्शन होता है कि भाई लीडर्स को तो कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं होता या फिर उनको कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते। लोगों की ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए नहीं लगाया गया है ताकि जो माना कि इंसान अगर एजुकेटेड ना हो तो उसको मोस्ट ऑफ द चीजें, लिटरेट ना हो तो उसको नहीं समझ आती, पर फिर भी सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हमारे बस्तियों में होते हैं वो उस इंसान को अगर अच्छे से समझ आए तो वो अच्छे से उस पर्टिकुलर प्लेस को डेवलप कर सकता है। ये कंसेप्ट मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन को उतना ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इम्पोर्टेंट करार उनको नहीं दिया गया था, वो एक बैरियर जैसा ना हो इसी वजह से एजुकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखा था। नाउ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद, हमारे संविधान निर्माता जो थे इन्होंने ये सारे पॉइंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तवज्जो दिया था कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, यूनिटी मेंटेन रहे, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी मेंटेन रहे। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती हैं जो सोशली बैकवर्ड होती है, फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है, तो वो इस प्रकार से ना रहे इसलिए रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मोस्ट ऑफ द लोग इससे सहमत नहीं होते कि क्यों भाई रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, बट आगे आने वाले हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन की क्या जरूरत थी उस जमाने में और अब भी कितनी ज्यादा जरूरत है या फिर होना चाहिए रिजर्वेशन या नहीं, ये हम हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में होपफुली हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। सो ये मेंटेन रहने के लिए ये सारी चीजें, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह, ये सारे पॉइंट्स हमारे संविधान निर्माताओं के मन में थे और इसी प्रकार से उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। नाउ हियर कम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके सिलेबस में भी आप देख सकते हो, GS2 के सिलेबस में
ये सारे कंसेप्ट है फेडरलिज्म वगैरह, ये आपके एनसीईआरटी में इन शॉर्ट कवर की गई है। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, क्योंकि आप ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप अपने बड़े वाले बुक्स में, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गए, फिर डीडी बासु, आप उनमें कवर कर सकते हो। इसलिए मैं ब्रीफली आपको आइडिया देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। सो फेडरलिज्म रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। हम देख सकते हैं स्टेट्स को जिस प्रकार से पावर्स दी हैं, उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और स्टेट्स को भी पावर दी गई है। आप जानते होंगे वो तीन लिस्ट, सेंटर स्टेट के लिस्ट जो मेंटेन की है, उनमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टेट्स को किन चीजों में फैसला लेने की पावर है और सेंटर को किस लिए है, और कौन कौन से ऐसे लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलके या फिर दोनों के दोनों उसमें डिसीजंस ले सकते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। बट यहाँ पे इस पॉइंट में ये समझना जरूरी है बहुत ज्यादा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। भाई फेडरलिज्म का मतलब ये है कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। उसके बाद इंडिया में हमारे स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल का भी गवर्नमेंट है, और पंचायती राज सिस्टम जो बहुत ही गांव में या फिर आप कह सकते हो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, बहुत ही नीचे स्तर पे होता है। तो अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के बारे में भी एक्सटेंसिव उनको उनके राइट्स के बारे में लिखा गया है, कौन कौन से टॉपिक्स पे स्टेट्स हमारे डिसीजन ले सकती है वो अच्छे से लिखा गया है। सो दैट इटसेल्फ मींस डेमोक्रेसी के मतलब बहुत अच्छे से फेडरलिज्म के थ्रू हम समझ सकते हैं। स्पीकिंग अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज that this would help in encouraging the democratic mindset and break its clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. मतलब हमारे constitution में ये make sure किया गया है कि हम कोई भी चीज हमें वोट करने से हमें पीछे नहीं हटा सकती, unless and until of course आपको 18 साल complete ना हो तो आप वोट नहीं कर सकते, बट बाकी कोई भी चीज आपको वोट करने से आपको रोक नहीं सकती, ना ही आपकी कास्ट। अगर आप हाई कास्ट के हो तो भी आप वोट कर सकते हो, इवन इफ यू आर फ्रॉम लोअर कास्ट देन यू कैन वोट। क्लास, जेंडर हायरार्कीज को भी आप मतलब इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू ऑल, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में भी वुमेन को वोट करने का राइट नहीं दिया था, और मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में भी, कि जब पूरा यूरोप में भी जब जो कि सो कॉल्ड हम डेवलप कहते हैं उनके टाइम पे जब उनको वुमेन को वोट करने का राइट नहीं दिया था, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने वुमेन जो है लेडीज उनको औरतों को वोट करने का राइट तब भी दिया था जब पूरा का पूरा यूरोप बैकवर्ड मैं कहूंगी चल रहा था तब। नाउ स्पीकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दे आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में यहाँ पे आपके जो लॉ मेकर्स आते हैं पार्लियामेंट वो आते हैं, एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेट्स या फिर प्रेसिडेंट ये सारे लोग आते हैं, जुडिशरी में ऑफकोर्स वी नो कोर्ट्स आते हैं यहाँ। सो द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव जो भी लॉज ये करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल पुलिस भी। देन द जुडिशियरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। Through this, each organ acts as a check on the other organs of the state, and this ensures the balance of power between all the three. तो गाइज यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट रिमेम्बर करने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। चेक्स एंड बैलेंस फॉर नाउ आप ये वर्ड दिमाग में रखिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन्ड होता है। Now, moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. The constitution therefore also guarantees the rights to minorities against majority. As Dr. Ambedkar had said about these fundamental rights, their object is in twofold. The first objective is that ki every citizen ko bhai, they must get a position to claim those rights, and secondly these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. Aap
जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब आप जानोगे कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि डिफाइन, जो कि बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली बताते हैं कि किस प्रकार से माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हो चुका था गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, और जब गवर्नमेंट एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहां पे भी. सो बिकॉज दे वर गेटिंग दिस फंडामेंटल राइट, दे वर मेंशन एक्सक्लूसिवली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे गॉट देयर राइट्स, बहुत अच्छे से वो मेंटेन कर पाए. नाउ स्पीकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको DPSP भी कहा जाता है, दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू सर्व एज अ गाइड फॉर इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द मासेस. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSPs जो हैं वो कोर्ट्स में किस वजह से वो आप उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते. सो द रीजन बीइंग ये जो पॉलिसीज थी, जैसे कि आपने अपने नेशनल फ्लैग को आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर आपने साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर होना चाहिए, ये सारी चीजें इस वजह से है टू इन ऑर्डर टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और लॉ मेकर्स जो है वो इन सारे DPSPs को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में जब वो लॉ फ्रेम करेंगे तब वो ये सारी माइंड को मद्देनजर रखते हुए ही करें. इसी वजह से DPSPs एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. स्पीकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, ये भी एक प्रकार से आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, और इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रिलिम्स या फिर मेंस में भी. सो अ सेक्युलर स्टेट इज द वन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी ऑफ द रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन. आप देख सकोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा गया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी जिनके रिलीजन को जिनके बहुत ज्यादा पहले उनको नाम दिया गया है रिलीजन का, उसके बाद उनके स्टेट या फिर उनके कंट्री का नाम दिया है. बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट आई कंसिडर कि इसी वजह से एक अनदर रीजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी उतना ज्यादा स्ट्रांग है. हमने किसी भी धर्म को लेके डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अदर टू, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूलर्स, है ना. तो स्पीकिंग अबाउट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ स्पीकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, इट रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो ऐसा क्यों है, क्यों, why this has been done कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट ऐसा क्यों गया है, क्यों किया गया है. सो दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर, ताकि जो माइनॉरिटीज पे मेजॉरिटी वाले लोग डोमिनेट ना करें. इस वजह से सेक्युलरिज्म को स्टेट से बहुत, रिलीजन को स्टेट से बहुत ज्यादा दूर रखा गया है. Also, some members should not dominate other members of the same religious community. अब ये पॉइंट मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे इंडिया में आप जानते हो बहुत ज्यादा, मतलब धर्म तो डिफरेंट खैर है ही, बट कास्ट भी डिफरेंट है. हिंदू रिलीजन अगर आप कंसिडर करो तो हम में कास्ट बहुत ज्यादा है, मुस्लिम लोगों में भी कास्ट होती है, क्रिश्चियनिटी में भी होती है. सो कास्ट की फिर बाद में सब कास्ट आती है, सब कास्ट की सब कास्ट आती है. सो फॉर दैट टू मेंटेन कि भाई एक कोई कास्ट खुद को डोमिनेंट समझ के दूसरे कास्ट को ये ना करे, मतलब उनको उनको उनके लाइवलीहुड को खतरा ना पहुंचाए, इसी वजह से रिलीजन को स्टेट से डिफरेंट रखा गया है, अलग रखा गया है. दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ताकि स्टेट जो है वो किसी भी स्कूलों के थ्रू या फिर कोई ऐसा लॉ ना बनाए कि बाकी लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने में डिफिकल्टी आए. ये बहुत ज्यादा चीज ये मेंटेन होती है हमारे संविधान ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज इसी वजह से, सेक्युलरिज्म का वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था वो इसी वजह से था. Now, why do we need पार्लियामेंट, क्यों नीड है पार्लियामेंट की. सो इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड देर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड सम ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is, all the adult citizens of the country have the right to vote. So this is why there is this need of Parliament. I guess this point is self-explanatory. आपको और ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है.
Now speaking about our parliament, there are 543 elected plus 2 nominated members in the Lok Sabha. ये points, ये numbers आपको important है, आपको note down कर लीजिएगा please अपने notebooks में. So there are 543 elected plus 2 nominated members in the Lok Sabha. To have the majority, a party, majority होने के लिए एक party को at least half the number, that is 272 members या फिर उससे ज्यादा लाना जरूरी है. Now speaking about our next point, one of the most important functions of Lok Sabha is to select the executive. The executive is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. So यहाँ पे जो ये point है, one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. इसका मतलब है Lok Sabha ही elect करती है, right? हमारे cabinet ministers, and cabinet ministers का head होता है हमारे prime ministers जी. तो वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है लोकसभा का. दे देन मेक वो लॉज भी फ्रेम करते हैं एंड देन दे मेक श्योर कि ये सारे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री. सो दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन आवर माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट. जब हम गवर्नमेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूटिव ही होते हैं जो हमारे दिमाग में रन कर रहे होते हैं ना. सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now here comes the meaning of coalition government. अब होता यूं है कि कभी कभार मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाते हमारे जो लीडर्स हैं वो. इस बार कोअलिशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मदद करता है. सिंपल वर्ड्स में कोअलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टी मेजॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाती तब वो बाकी पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आस्क देम टू कम इन टू देयर पार्टी और वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कोअलिशन गवर्नमेंट. एज ऑफ नाउ फॉर स्टैंडर्ड 8 दिस इज मैं कहूंगी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कोअलिशन. बस हम वर्ड्स का मतलब जान रहे हैं इन शॉर्ट. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कोअलिशन गवर्नमेंट. फिर हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ. फिर मैं आपको आयाराम गयाराम की जो पूरी एंटायर हिस्ट्री थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. सो हियर कम्स द नेक्स्ट वर्ड सेडिशन which falls under section 124A of the Indian Penal Code. It is defined as action that brings or attempts to bring hatred or contempt towards the government of India and has been illegal in India since 1870. तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके अगर हम देखें तो सेडिशन चार्जेस लगाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट हम इंडियंस के ऊपर. अगर कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोलने जाए तो वो सेडिशन चार्जेस लगाते थे, कहते थे कि देशद्रोह किया है आपने. तो ये जो सेक्शन है विच वॉज गिवन इन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड वो आज भी जारी है हमारे इंडिया में. एंड दे से दैट एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर आपके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं एंड यू आर पुट बिहाइंड द बार्स. Now, why do we need to understand our laws? एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे कायदे कानून समझने की और वो ये है कि first that colonial law was arbitrary and second that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere of British India. One example of arbitrariness is that that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870, जो कि मैंने पिछले मेरे स्लाइड में एक्सप्लेन किया था. The idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून थे जो फेयर ट्रायल नहीं देते थे इंडियंस को जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे. जैसे कि अगर आपने कुछ पब्लिश किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली दे यूज्ड टू पुट यू बिहाइंड द बार्स विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने सही में वो क्राइम किया है या नहीं. बेसिकली आपको आपकी खुद की साइड रखने का बिल्कुल भी राइट नहीं दिया जाता था. वन ऑल्सो कैनॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस चीपली एंड इफिशियंटली टू द मिलियंस ऑफ लिविंग इन द लार्ज सिटी. तो ये पॉइंट दिस पॉइंट हैज गॉट नो रिलेशन विद द सेडिशन चार्जेस. लेट मी टेल यू सेडिशन चार्जेस हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे. सो व्हाइल अंडरस्टैंडिंग सेडिशन लेट मी टेल यू ऑल फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन मे कमिट सेडिशन बाय होल्डिंग अ मीटिंग टू डिस्कस अ रेबिलियन और रेवोल्यूशन इन हिज होम. ट्रीजन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन दैट बिट्रेज वंस कंट्रीज. ट्रीजन और सेडिशन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो सच बहुत बार होता है कि सिटीजन्स वेज वॉर अगेंस्ट देयर कंट्री. वो लोग ऐसे कुछ स्पीचेस देते हैं, ऐसे कुछ लिखावट उनकी होती है, कुछ पब्लिशमेंट उनकी ऐसी होती है
पब्लिशिंग की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा भड़काऊ बातें लिखी जाती हैं एंड दैट क्रिएट्स एक पर्टिकुलर हैवॉक क्रिएट करती हैं, एक बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन कंट्री में क्रिएट करती हैं, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, टैक्स पेयर्स की बदौलत गवर्नमेंट ने जो जो चीजें लगाई हैं जैसे कि ट्रेन हो गई या फिर मेट्रोज, वो सारी चीजें लोग डिस्ट्रॉय करने पे तुले होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट आज भी सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 बदला नहीं गया है इंडिया में, आज भी वो है जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट अब्यूज देयर पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जितनी भी पावर्स लोगों को दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो चीजें मिसयूज ना हो उन चीजों का, दिस इज मेड श्योर बाय द हेल्प ऑफ दीज सच एक्ट जो कि जैसे कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास नाउ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन. आपके कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव हो, आपको चाहिए कि हम कुछ चेंजेस लाएं हमारे इन वीडियोस में, या फिर आपको कई और टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस देखना आप पसंद करोगे तो डू लीव इन योर वैल्यूएबल कमेंट्स. आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट लिख लीजिएगा एंड डू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम एवरी वीडियो दैट वी पुट ऑन आवर चैनल. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. बाय बाय.